चिंतित हूँ, शिव कार्य को लेकर नहीं, इस कोरोना के फैलाव को लेकर और लोगों में आई सुस्ती को लेकर। मैंने कई बार कहा कि हमको आपको सतर्क रहना चाहिए, वो दो गज की दूरी है उसको आपको उसका अनुपालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। यहाँ तो प्रयास किया जाता है कि शिव चर्चाएँ क्यों बने, अक्सर फोन आते हैं लोगों को कि शिव चर्चाओं को चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, सो तो हम लोग नहीं करेंगे और जब तक ये संक्रमण का दौर रहेगा तब तक नहीं करेंगे, वो जब तक महादेव चाहे रहे हम लोग चर्चाएं अपनी बंद रखेंगे, सतर्क रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और अनावश्यक घर से तफरी में नहीं निकलेंगे। बहुत लोग तफरी में निकलते हैं कि मन निकल अगर चल तनिक घूमे हो तो उनको कोरोना घुमा देगा बढ़िया से। इस काम को बंद करिए, चर्चाएँ भी बंद करिए और शिव चर्चा मंच में देखता हूँ क्या जिज्ञासाएँ इधर आई हैं तो उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करें। बोलिए, कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता होती है, फिर भी वर्षों से चली आ रही गुरु परंपरा में लोग अपने जीवन के अनमोल क्षण बिना गुरु के सानिध्य से ही समाप्त कर लेते हैं, ऐसा क्यों? भाई ओम प्रकाश, गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता है, यही ना है? और तभी लोग बिना गुरु को पूरा जीवन बिता लेते हैं। गुरु की आवश्यकता तो इंसान को पड़ती है भैया। आपके बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़े होंगे, आप भी, आपने भी अध्ययन किया होगा, पढ़ाई की होगी। आदमी के साथ है कि उसको सिखलाना पड़ता है, इसके बारे में शायद मैंने कहा था कि जानवर के बच्चों को फायदा होता है और पानी में आप फेंक दीजिए तो वो कोशिश करता है पानी से निकल जाने की और डूब नहीं पाता है, कम पानी रहेगा तो निकल जाए और कुछ दिनों के बाद तो निकल ही जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है स्विमिंग, तैरना तैरना। गाय बच्चा देती है, देखा होगा आपने, बछड़ा खुद उठ के अपनी माँ का दूध पीता है, उसको कोई उठा के पिलाता नहीं। तुरंत का बच्चा नवजात शिशु खुद ही खड़ा होता है और वो दूध, आदमी के साथ ऐसा नहीं। प्रकृति जानती है कि माँ कर लेगी, पड़ोसी कर लेंगे, समाज के लोग कर लेंगे, अगल बगल की व्यवस्था में उसका पोषण हो जाएगा। तो आदमी को सिखलाना पड़ता है और तीन क्षेत्र है, एक शरीर है, एक मन है और एक आध्यात्मिक। तीनों क्षेत्र में देखिएगा, बचपन से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ठीक से रहो, हाथ मुँह धो के खाना खाओ, ये सब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और बच्चे सीख लेते हैं। फिर शैक्षणिक का मामला हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, वहाँ भी स्कूल में भेजने की व्यवस्था होती है, बच्चे नहीं चाहते हैं तब भी स्कूल उनको जबरदस्ती गार्जियंस भेजते हैं। और आध्यात्म का जहाँ तक क्षेत्र, ये जीवन जहाँ से आया है और जीवन जहाँ को जाएगा, हम क्या हैं, आप क्या हैं? मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप कौन हैं, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, तो आप हैं कौन? क्या कि मन, कभी कभी आप कह देते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं है, इसका मन आप मन नहीं। कभी कभी आप कह देते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, मैं कैसे जाऊं बाजार, तो चप्पल आप नहीं है। ठीक उसी तरह से मन भी आप नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, आप मन भी नहीं, शरीर भी नहीं है, पूरे अंग बदल दिए जा रहे हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के। आप हैं कौन, हम हैं कौन? इस विधा को जानने का, इस विज्ञान को जानने को कहते हैं आध्यात्म। जो आत्मा का विज्ञान है, जो प्राण का विज्ञान है, उसको आध्यात्म बोलते हैं। इसका भी ज्ञान गुरु ही देंगे,
लोग कहते हैं ना कि हमको सब कुछ तो मिल है, तो फिर हम काहे के लिए महादेव को गुरु माने या किसी अच्छे गुरु के पास जाए। एक्चुअली आपको जितनी समझ है उतना में मिला। जंगल के एक विद्यार्थी को, छोटे बालक को जो विद्यालय जा रहा है, आप उससे पूछिए, मैंने पूछा है, मैं वीडियो रहा हूँ जंगल में, पूछिए उससे कि बहू आप पढ़ के क्या बनोगे, तो बोलेगा, मुझको जो उत्तर मिला बोलेगा, हम सर फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। काहे कि वो देखता है कि जब वन रक्षक आता है, फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो उसको खाट दी जाती है, मक्खन और रोटी खिलाई जाती है, जंगलों में जो होता है, उस बच्चे को जरा पढ़ने दीजिए, तो उसको शैक्षणिक ज्ञान में आगे बढ़ने दीजिए। तो कॉलेज जाते जाते वो कहेगा मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और छोटा सा बच्चा जो फॉरेस्ट गार्ड बनने की बात बोल रहा है बचपन में, अब उसकी बुद्धि बनी, ज्ञान उसको आया है और वो ऊपर की बात कर रहा है, वो ऊंचाई की बात कर रहा है। तो गुरु भी यही करते हैं, तो गुरु की अनिवार्यता तो है ही, और कुछ तो लगता नहीं है शिव को गुरु मानने। और गुरुओं की बात तो मैं नहीं जानता, मैंने भी बहुत 20-21 गुरु माने हैं बचपन में। शिव को गुरु मानने में कुछ लगता ही नहीं है, मात्र आपकी सोच है, मात्र आपका चिंतन है, जैसे सोचते हैं आप कि उसको मित्र बनाएंगे और मित्रता हो जाती है। सोच को खाली भूलिए मन, आपने सोचा कि पड़ोसी से हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो जाएगी, लेकिन दोस्ती को निभाइए तब ना दोस्ती। तो शिव को गुरु मानना बड़ा आसान है, मन ही मन सोच लिया कि आज से मेरे गुरु शिव महादेव, महादेव शिव में कोई अंतर है नहीं, जो मंदिरों में पूजा जाता है वही गुरु है, तब उनको गुरु मान लीजिए। और इस बात को भूलिए मत, बस वाली दोस्ती, ट्रेन वाली दोस्ती नहीं करिए, रात भर की दोस्ती है और सुबह दोस्ती साफ, वो कहाँ गए आप कहाँ गए कोई मतलब नहीं। और रात में तो खूब दोस्ती थी, बस से उतर उतर के चाय पी रहे थे 3 दिन बाद। वैसी दोस्ती कम से कम मत करिए, करिए तो ठीक से करिए, नहीं तो मत करिए। तो अपने गुरु से भी मित्रता करिए, वो तो आपके मित्र हैं ही, वो आपके सखा हैं ही, आपके मित्र साथी हैं ही, वो रिश्ता जोड़िए, शिष्य का रिश्ता जोड़िए, उसको निभाइए और आप खुद ब खुद देखेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है। और जब कोई साथ नहीं देता है, ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत आते हैं, तो वो शिव ही साथ देता है, उसकी दया ही काम। नेक्स्ट, साधुता कहती है कि रहना नहीं देश गिराना है, बिल्कुल सही, साधु ये मुर्गों का काम, कबीर भी बोल गए। तब भी ये जागतिक सुखों के प्रति इतनी भाग दौड़ क्यों? वह परमात्मा, वह ईश्वर समझिए इसको, वह शिव, जीव भाव के चलते अंशों में आया है हमारे आपके और जगत के रूप में। जीव जगत से जुड़ा है, जागतिक आकर्षण होंगे तभी वो जीव होगा, उसके अपने कर्म फल होंगे, कर्म बंधन होंगे उसके, तो स्वाभाविक रूप से जगत का आकर्षण तो होगा ही होगा उसको। बल्कि एक शब्द इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जीव में जगत का आकर्षण, अपने जीवन का आकर्षण, अपने शरीर के प्रति आकर्षण, अपनी सुरक्षा के प्रति उसका, उसकी संवेदना रहेगी ही रहेगी, तो जीव के रूप में जगत में लौकिक आकर्षण तो रहेगा। इसी लौकिक आकर्षण में धीरे धीरे गुरु पारलौकिक आकर्षण पैदा करते हैं। सही जो गुरु होगा, एक बैग नहीं करेगा, एक बैग करेगा तो साधु हो जाएगा, परिवार छूट जाएगा उसका, समाज छूट जाएगा उसका, व्यवस्था उसकी टूट जाएगी। गुरु धीरे 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 उसी जीव भाव के में शिव भाव का अंकुरण करते हैं। जो सीट है हमारे अपने शिव कांस तो है ही, शिव भाव का अंकुरण करते हैं और तब धीरे धीरे लौकिक आकर्षण करते हैं।
सकते हैं। एक आकर्षण जहाँ बढ़ेगा दूसरा आकर्षण घट जाए। जहाँ एक आकर्षण कोई विशेष हमारे आपके मन में बढ़ा, अन्य आकर्षण को घटा दे। शादी के बाद क्या होता है, लड़के को माँ बाप क्या कहते हैं, अमूमन ये तो मेहरानू का गुलाम हो गए हो, कुछ नहीं। पत्नी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ा तो लोगों को लगने लगा कि तब मेहरानू के गुलाम हो। एक आकर्षण जहाँ बढ़ा तीव्र हुआ कि अन्य आकर्षण को दाबे। शिव का आकर्षण जैसे जैसे गुरु बढ़ाते हैं, उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जगत जो है आपको छिंगना लगेगा, बोना लगेगा, काम मत लगेगा कि काम करो, निकलो यहाँ से, सलग रहना नहीं, देश उजरा नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना से काम करो यार। आवश्यकता से अधिक रखना तो कोई होशियारी नहीं है, क्योंकि समन्वयता में रख लेंगे अपने नहीं। जी भाव रहेगा ही रहेगा, गुरु की शरण में शिव भाव के लिए जाना ही जाना होगा, और तब धीरे धीरे धरती की भाग दौड़ घटेगी, अन्यथा हाय हाय रहेगा। आदमी बेचैन रहेगा जगत की ओर, जगत गुजर रहा है, गुजरती चीज को क्या पकड़िएगा, पकड़ाएगा ही, हम आप भी जा रहे ये पकड़ाएगा नहीं, और अस्थाई को पकड़िएगा, जगत अस्थाई। आज पेड़ है कल नहीं रहेंगे, आज मकान है परसों खंडर हो सकते हैं, वो चीजें नहीं रहेंगी, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो टेम्पररी अस्थाई को जब आप पकड़ेंगे तो आप भी अस्थाई होंगे। जब अस्थाई को पकड़ेंगे, ध्रुव को पकड़ेंगे, जब ईश्वर को पकड़ेंगे, शिव को पकड़ेंगे, तो आपका भी जीवन अस्थाई होगा। अभी आपने कोट कर दिया कबीर साहब, राना नहीं देश वीराना है, वो आदमी शरीर में नहीं, ये हमारे आपके लिए नहीं मरा। देखिए उसने अस्थाई की बात की, अस्थाई से जुड़ने का प्रयास किया, आज भी वो अस्थाई है, शरीर में रहना नहीं रहना कोई मानी रखता नहीं है, वो आज भी हमारे आपके बीच में है। आप उसको कोट कर रहे हैं, हमने कोट किया, साधु ये मुर्गों का गाँव उन्हीं के लिए। शिव शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है, क्यों? दीक्षा का मानी क्या होता है, दीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, शब्द भी इसके बड़े अच्छे हैं अंग्रेजी में। इनिशिएशन, दीक्षा की अंग्रेजी होती है इनिशिएशन, टू इनिशिएट, टू स्टार्ट। दीक्षा का मानी होता है आपको शुरू करना है। अब जैसे बच्चे को शुरू कराते हैं दीक्षा, सच्ची दीक्षा होती है ना, कलम पेंसिल स्लेट लेकर के और लिखवाइए, ओम लिखवाइए, जो लिखवाइए, ये स्टार्ट हुआ। तो जब बहुत पावरफुल गुरु होगा, जब शिव ही गुरु होंगे, तो कागज कलम से वो आपकी दीक्षा का प्रारंभ नहीं करेंगे, कान में उनको फूकने की जरूरत नहीं है। पहले भी अच्छे अच्छे गुरु जो हुए हैं वो कान में कहाँ फूकते थे, शक्तिपात दीक्षा होती थी, कहीं गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, और वहाँ से दीक्षा हो गई, मानसिक दीक्षा हो गई, आध्यात्मिक दीक्षा हो गई। दीक्षा होती है संकल्प दीक्षा, हालांकि इसका प्रयोग किताबों में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ संकल्प दीक्षा। आपके संकल्प है कि मैं शिव को गुरु मानूंगा, नाउ आई विल स्टार्ट विथ, मैं आज से कोशिश करूंगा कि शिव मेरे गुरु रहें और मैं इसको भूलूंगा नहीं, इस बात को, क्या मैं नटराजेट चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, यही दीक्षा का प्रारंभ है। दीक्षा शुरू हो गई अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो गई, अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, अब से खुदा की ओर चलना, अब से भगवान की ओर चलना, अब से शिव की ओर चलना, गुरु मान के बढ़े आप, डिसीजन, संकल्प दीक्षा। और इस संकल्प दीक्षा में आप ही को सब कुछ करना है, पारंपरिक दीक्षा कहाँ से आ गई, पहले होती होगी, अभी भी होती होगी, लेकिन शिव जब गुरु होंगे तो संकल्प दीक्षा होगी। संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, और ये आपका संकल्प होगा ना, गुरु तो अब गुरु है, शिव को गुरु मानने से गुरु थोड़ी बनेंगे, अब तो गुरु हैं,
हमको उनका शिष्य बनना है। तो संकल्प दीक्षा, मैंने संकल्प किया है किसी मेरे ये, बस यही संकल्प, और इससे संकल्प से ही खड़े होते हैं। आपने संकल्प ले लिया कि मेरी बहन है और इस पर खड़े रह गए, रिश्ते फलते भूलते रहेंगे। मन का संकल्प मन लेता है, तो पारंपरिक दीक्षा की जरूरत क्या, संकल्प निस्वार्थ भाव से शिव शिष्यता में चलने के बावजूद मन क्यों भटक जाता है, ये ना जी। ससुरा बानर को कितना हूँ ट्रेनिंग दे दी, सर चुलबुल कर बे कर, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने देखा। खंबे में बंदर बना हुआ है, चेन में आते हैं लोग, और कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, चिड़िया तक नहीं है। मैं दूर बरामदे के कोने में बैठा हुआ, बहुत बड़ा हाथा है, एक बंदर भी पोल पर बैठा हुआ, पोल पर धक्का लगा दिया था बैठने के लिए उसको बैठा हुआ। ससुरा एक मिनट चैन से नहीं था, कभी इधर हाथ लगावे, कभी उधर हाथ लगावे, कभी इधर हाथ लगावे, कभी इधर हाथ लगावे, यही हमारा आपका मन है। भारत के मनीषी कहते हैं, भारत के साधु समझाते हैं, कहते हैं कि एक बंदर ले लीजिए भाई साहब, उसको भर पेट शराब पिला और उसके बाद हजारों बिरनी से अड्डा से, बिरनी बुझते ही होंगे बिहार के ही बुझते ही होंगे, लेकिन बम्बई से हमारे ना वो लोग बुझते, वो पीला पीला लाल लाल जो होता है कीड़ा, वो तो काटता है तो बड़ी भीड़ से जाता है, एक 2000 बिरनी से वो तो बंदर को कटवा, तब बंदर जैसा करेगा भर पेट शराब पीने के बाद, बिन्नी से कटवाने के बाद ऐसा आदमी के मन की का उदाहरण उपनिषद ऐसा ही देती है। तो आप कह रहे हैं कि मोहन महादेव की ओर चल रहे हैं तब वो बहू आ रहा है, साला बहू ही करेगा इसको, कहीं फंसाइए महादेव सब टाका, इसका फंसेगा यानी जुड़ेगा तब ही शांत होगा, वो भी हलचल करेगा ही, चुलबुल करेगा ही। इसलिए घबराइए नहीं, शिव से जुड़ने का प्रयास करिए, धीरे धीरे ये एक बग्घा हो जाएगा, शिव की ओर ही चलेगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस भाई ने सवाल पूछा है उनके सवाल ही में गड़बड़ है। शिव शिष्यता का मुखौटा पहन के, आदमी है बंदर का मुखौटा पहन लीजिए तो क्या होगा, बंदर के लक्षण तो आएंगे ही, जितना देर दिखाना है बंदर ऐसा दिखाइए, लेकिन मूलता तो नहीं आएंगे, बंदर है आदमी का मुखौटा पहना, तो कुछ देर तो नौटंकी कर सकता है आदमी की, फिर तो बंदर है। तो जब कोई शिव शिष्य हो के मुखौटा ही पहन लिया, शिव शिष्यता का नहीं हो के सिर्फ मुखौटा पहन लिया, यानी ड्रामा कर रहा है वो, तब तो गड़बड़ी होगी ही होगी। है कि आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, हम आपको उल्लू बना सकते हैं, शिव को उल्लू नहीं बना सकते, अपने आप को उल्लू नहीं बना सकते, जनता को बना सकते हैं, अपने आप को नहीं बना सकते। मुखौटा नहीं, सही में शिव शिष्य से बनिए, मुखौटा उतारिए, अगर शिव शिष्य का मुखौटा उतारिए और शिव शिष्य से बनिए, मुखौटा धरते नहीं चलेगा। हमने जीवन में बहुत देखा है, आसमान के लोगों को भी देखा है, ये मुखौटा पहनते हैं ठगने के लिए, लेकिन एक दिन तो पोल खुली ही जाती है। आज जब रंगा सियार बनिएगा, ये रंगवा कितना देर रहेगा, उतर जाएगा भाई जी। त्रिपुंड क्या है, वो ऐसे गिरा हुआ कि ऐसे खड़ा,
खड़ा त्रिपुंड जो है तंत्र में उसको कहा जाता है कि ये साधक की शक्ति है, एक गुरु की शक्ति है और एक मंत्र की शक्ति है। साधक की शक्ति है जो लगाए हुए उसकी शक्ति है आध्यात्मिक, दूसरी जिस मंत्र जो मंत्र उसका प्राण मंत्र है जो इष्ट मंत्र है उसका उसकी शक्ति है, और तीसरी उस मंत्र के देवता की शक्ति, इसी को त्रिपुंड बोलते हैं। 108 से जुड़ा हुआ है, 108 111 हो जाता है, वही 111 है। चलो सवाल कहाँ है इसमें, शिव को गुरु मान के क्या सभी शिव शिष्य हो गए हैं किंतु शिव शिष्यता हमारे व्यवहार से दिखती ही नहीं, सवाल कहाँ है। बिल्कुल सही बात है, शिव को गुरु मान लिया तो आप शिव शिष्य हो गए, आप किसी को बहन मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को बेटा मान लिया तो आप हो गए, भाई हो गए आप। अब बेटवा भूखे मर रहा है रसगुल्ला बाप चाप रहा है, कहता बहू तू हमार बेटा हवा नहीं, हम देखा है एक आदमी हमको बेटा बेटा कहता था, गाड़ी में बैठा हुआ था, नाम नहीं बताएंगे बड़ी लोग मारेगा, साला अंगूर खरीदा, हम उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, पटना कॉलेज लॉ कॉलेज में, अंगूर खरीदा 1 किलो, गाड़ी लंबा सफर था, 1 किलो खा गया, हम बगल में बैठे हुए थे, साले 1 अंगूर किने नहीं पूछे हाँ, और आप जितना आदमी बैठे हैं सब उस आदमी को जानते हैं, अभी मरा नहीं है जिंदा है मरने वाला है। तो देखिए ये बेटा बेटा कह के तो आप बाप नहीं बन गए, आपके आचरण में नहीं आया, आपके भाव में वो बेटा नहीं है, यानी बेटा शब्दों में है, संबोधन में है, संबंध में नहीं है। शिव गुरु संबोधन में है, शिव गुरु शब्दों में है, संबंध में नहीं है। संबंध होंगे तो संवेदनाएं होंगी, और जब संवेदनाएं होंगी तो आचरण में आ जाएगा। कहा जाता है प्रीत छुपे ना पीठ दिखाए, अगर किसी से आपको प्रेम है उसकी ओर पीठ करके भी बैठे हैं तो लोग कह देगा ये दोनों आपस में मोहब्बत करता है, दोनों आपस में प्रेम करता है, तब वो देखो पीठ घुमा के बैठोगे। प्रीत छुपे ना पीठ घुमाए, अगर शिव से आपको शिष्यता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, ड्रामा आप धीरे धीरे बंद करने लगेंगे, नौटंकियाँ बंद होने लगेंगे जगत की, और शिव भाव आप में उतरने लगेगा, आप साधु नजर आने लगेंगे लोगों को, साधुता आप में आने लगेगी, शिव परम साधु हैं, उस साधुता की पराकाष्ठा है, साधुता आप में आने लगेगी, धीरे धीरे जगत का आकर्षण घटने लगेगा, व्यवहार में साफ पता चल जाएगा कि शिव शिष्य है, ये हाय हाय नहीं करेगा, जानता है कि जितना से पेट भर जाओ उतना ही ठीक है, कि मुर्गा मटन खाने से खाने के लिए मार नहीं करेगा, भात मिल गया चोखा मिल गया खा लिया निश्चिंत कर लिया। चलिए नेक्स्ट, चल जाता है तो और अच्छी बात है, चलने दीजिए, सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय का जप और माला पे नमः शिवाय का जप। हमने कहा कि भैया एक बार रिक्शा एक बार कार पर दो टांग मत रखो, या तो नमः माला करो तब नमः शिवाय करो सांस पर, या पहले नमः शिवाय करो तब माला पर 108 बार करो। तो सांस पर नमः शिवाय आपका चलने लगता है जब आप रुद्राक्ष की 108 माला पर मंत्रों का मनन कर, जब चलने दीजिए उसे क्या आएगा, वो तो खाना भी खाएगा तो चलेगा, लेटरिन भी जाइएगा तो नमः शिवाय सांस पर चलेगा, तो लेटरिन तो वहाँ भूखो खाओ भाई। Boy.
पहले तो भूल ये हुई कि माध्यम साहब हैं, तब हम लोग शिष्य भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं। ससुरा हमको मार्गदर्शक मानेगा तो गुरु के प्रति, शिव के प्रति मार्गदर्शक, ये भाव कहाँ से आवेगा? कहते वाले बलू आपको माइल नजर आवेगा, गजे वाले अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप शिव शिष्य हैं तो शिव के ना तो भाव दिखेगा, उनको ना मार्गदर्शक मानिएगा, उनको ना रास्ता बताने वाला मानिएगा। हैरान कहाँ है? मैंने तो कहा ये भैया मैं हूँ, अगुआ हूँ, ब्याह कराने वाला। ब्याह हो गया, अगुआ अपने घरे बैठा हुआ, बैठा ही हुआ। आप अपना पत्नी के साथ इत्मीनान से हैं, शादी हो गई है, आपको मैंने शिव गुरु का रास्ता बताया, तीन सूत्र दिए कि जुड़िए आप। अब हमने पूछे कहा पढ़ रहे भाई साहब, मैं मार्गदर्शक नहीं हूँ, शिव सीता मैं कहीं नहीं हूँ। मैंने तो आपको सूचना दी, रास्ता बताया, जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ गड़बड़ हुआ है या हो मैं क्या करूँ, तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि मेरा अनुभव आपसे ज़्यादा है। तो शिव को गुरु मानिएगा, शिव को अपने टारगेट में रखिएगा, तब ना शिष्य भाव गिरेगा, तब ना शिव भाव आएगा। आप हमको मार्गदर्शन मान लीजिएगा बीच में दौड़ा जाएगा, ताकि मेरे मार्गदर्शन खुद ही शिव है। तो जितना हमको उन्होंने बताया उतना तो मैं बता दूंगा, लेकिन दया तो वहीं से मिलेगी ना भैया। हम एक गिलास पानी आपको दिया ना पीने के लिए, ससुर हमारे बाप का पानी है, वो चापाकल का भी पानी है, ठीक है मेरे हाथा में ही है, लेकिन पानी तो जमीन का है यार। चापाकल का पानी थोड़ा ही होता, कुएं का पानी थोड़ा ही होता, ये बोरिंग का पानी अपना थोड़ी है, मशीन है वो। पानी तो जमीन का होता है, दया तो उस गुरु की होती है। कोई लेके गिलास दे दे, एक चम्मच दे दे, एक कटोरी दे दे, लेकिन व्यवस्था तो आपको परमानेंसी की करनी होगी, शिव से जुड़ना होगा और बीच से हमको हटाना होगा और शिव से जुड़ना होगा। मैं जितना कहता हूँ उसके बाहर जाइएगा तब तो नहीं चल सकेगा, लेकिन उसके भीतर आपको खुद चलना होगा, शिव गुरु से जुड़ने का प्रयास। हमार दे भूल हो गए क्षमा किए देवे, तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन हर सप्ताह से। और ऊपर में क्या है? प्रेम और भाव में यही अंतर है कि भाव समझ लो कि कली है और प्रेम जो है वो फूल है। भाव अगर प्रेम का है तो समझो कि वो कली है, और जब वो पूरा खिलेगा तो वो प्रेम है। कहा जाता है भाव जो है प्रेम की पहली अवस्था, दुश्मनी की पहली अवस्था है, लेकिन प्रेम की पहली अवस्था भाव की अवस्था है, भावावस्था है। भाव आएंगे, मन स्थिर होगा, विचार एकत्रित होंगे एक जगह, और तत्संग विचार जब घनीभूत होंगे एक दिशा में, तब भाव पैदा होगा। भाव जब और स्ट्रांग होंगे और मजबूत होंगे तो वो प्रेम में रूपांतरित होता है, कलियां फूल पत्ती हैं, वो कली समझ लो भाव को। कली नहीं होगी तो फूल कहाँ से होंगे? कली समझ लो भाव को और फूल समझ लो प्रेम को। भक्ति इसी प्रेम के फूल की सुगंध है, सुरभि है, स्मेल है। और जहाँ तक गुरु दक्षिणा देने का क्या जो सवाल है, शिव को आप क्या गुरु दक्षिणा देंगे सो बताएंगे? वो न सो सकता है, शरीर में है नहीं, न खा सकता है, न कपड़े पहन सकता है, न हमारी आपकी गाड़ी में घूम सकता है, कुछ नहीं है। वो सगुण भी है, निर्गुण भी। क्या गुरु दक्षिणा दें? गुरु ने जो कहा सो न करिए,
जो आपको कहा गया गुरु को प्रणाम करिए, गुरु से दया की याचना की मनाई स्थिति में जाइए। याचना करना मुहस करने से याचना थोड़ी होती, नमः शिवाय करने से नमः शिवाय थोड़ी हो। नमः शिवाय में भाव जो है कि शिव को प्रणाम, इस भाव से अपने गुरु को प्रणाम करिए, सौहार्द करिए, जैसे करिए शिव भाव से प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करने के भाव से शिव को प्रणाम करिए, मांगने की मनय स्थिति ले जाइए, स्थिति होनी चाहिए। दूसरों को शिव गुरु को प्रेरित करिए। अभी तो है नहीं, मोबाइल से आप कर सकती हैं, क्या संभव है? अपने घरों में कर सकते, लोग हल्ला करता है कि हम चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं, ससुराल उसके घर पर कोई शिक्षित नहीं हुए, वो है घर को नहीं बना सकता है, चला है फील्ड में बनाने के लिए, जबकि जान रहा है कोरोना, अपने ही मरेगा ससुरा, लोगों को भी मरेगा। चलिए अब कब आऊँगा ये तो मैं बता नहीं सकता, हम आप ही से माफ़ी मांगते हैं, हर सप्ताह हम आएँ, हम मरेंगे कि आएंगे हमको यही नहीं पता चल रहा है, आप सबों को मेरा।